नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। और फिर से मैं एक बार जुड़ चुका हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर वीरेन सिंह, एक और छोटी सी चीज़ बात करने के लिए कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ऐसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई बोलेगा टीचर, कोई बोलेगा कंटेंट पीडीएफ बुक्स वॉट एवर मटीरियल, कोई बोलेगा कि नहीं कंटेंट से ज़्यादा जो है टीचिंग मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई बोलेगा सिलेबस का टॉपिक का सिलेक्शन, कोई बोलेगा स्टडी आवर्स टाइमिंग का सिलेक्शंस, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत अलग अलग लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोर, अगर आप डेप्थ में जाके सोचोगे ना, रियलिटी में जाके सोचोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का डेवलप होना। आप चाहे सारे बुक्स पढ़ जाओ स्टैंडर्ड बुक्स, आप चाहे सारे कोचिंग पढ़ जाओ, सारे बेस्ट टीचर से क्लासेस ले लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच नहीं आ रहा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आप चाहे कितनी कोचिंग कर लो, कितने सिलेबस पढ़ लो, कितने स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अर्जुन को जो है मछली की आँख में तीर मारना था बेसिक तौर पर, अगर अर्जुन को जो है मछली की आँख में तीर मारना था, तो वो मछली की आँख में जो तीर मारना था उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था धनुष और तीर। बाकी जो स्किल्स, मतलब और जो कह सकते हैं धनुर्धारी वाला जो स्किल्स होता है, धनुष चलाने का जो स्किल होता है, वो चाहिए था। और क्या लगता है कि उन्हें गदा आनी चाहिए, उन्हें पकड़ने आना, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई ना। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल, और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल से ही आपको क्वालिफिकेशन होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि CSIR जो क्वालिफिकेशन आपका करता है या UGC जो आपका क्वालिफिकेशन करता है, वो किस बेसिस पे करता है, वो किस बेसिस पे आपको जज करता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बेसिस पे। उसे मतलब नहीं है कि आपने कौन से एजुकेटर से पढ़ा है, उसे मतलब नहीं कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, उसे मतलब नहीं कि आपने कौन से सोर्स से पढ़ा है, उसे मतलब नहीं कि आपने कौन से पेन से पढ़ा है, उसे मतलब नहीं कौन से कॉपी में नोट्स बनाया था, उसे मतलब नहीं कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया, उसे मतलब नहीं कि आपने दिन में पढ़ा है कि रात में पढ़ा है, उसे मतलब नहीं कि 10 घंटा पढ़ा है कि 12 घंटा पढ़ा है, उसे मतलब नहीं है कि आपने रिविजन करी कि रिकॉलिंग करी, उसे मतलब नहीं है चीज़ों के बारे में कि आपने क्या कैसे किया, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका क्या चीज़ है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में, वो क्वेश्चन डिजायरेबल लिमिट तक आप जो है सॉल्व करें, ताकि आप क्वालिफिकेशन लिस्ट में आ सके। दैट्स द ओनली डिमांड। ये आपको किस दिन समझ में आएगा कि आप जो ये गोल 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 घूम रहे हैं, अगर अर्जुन से कहा गया था कि बेटा ये है मछली, मछली की आंख में जो है वो तीर मार दो, तो अर्जुन अगर मछली की पूंछ देख रहा होता, मछली का मुंह देख रहा होता, इधर उधर देख रहा होता, कभी आंख में निशाना लगा ही नहीं पाता। उसे पता था मेरा जो है वो बेसिक तौर पे मंजिल कहाँ है, वहीं पे फोकस करना, वहीं लगाना है। एग्जैक्टली, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ गोल गोल घूमे जा रहे हो। आपको डिजायरेबल चीज चाहिए क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रातों रात नहीं आती। धोनी रातों रात यॉर्कर पे जो है सिक्स नहीं मारता है जो है हेलीकॉप्टर शॉट से। मेहनत करी उसने, सीखा है। कोई भी क्रिकेटर किसी शॉट को जितना परफेक्टली खेलता है, चाहे रोहित शर्मा का पुल ड्राइव हो, विराट कोहली का कवर ड्राइव हो, या धोनी जी का हेलीकॉप्टर शॉट हो, ठीक है। ये जो है शॉट्स रातों रात नहीं डेवलप किए गए, ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत करके इतना इजी बना दिया उस शॉट्स को खेलना, ठीक है। इसीलिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो इन इर्द गिर्द बाहर की दुनिया में ये छोटे 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 कंट्रीब्यूटर्स पे ढूंढने की बजाय, बेहतर है कि आप जो है मेन मुद्दे की बात करें। मेन मुद्दा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि मेरा सिलेक्शन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने से होगा, ना कि फालतू की सिलेबस क्या है, ये पढ़े कि ना पढ़े, PDF डाउनलोड करे, 2 पेज पे प्रिंट करे कि 4 पे करे, नोट्स बनाए कि ना बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए कि ना बनाए, इस एजुकेटर से पढ़े, वो पढ़े, वो यूनिट छोड़े, ये छोड़े, ये सबसे मतलब नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्कोर 120+, और वो आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच से। यस, डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच में एक सबसे जरूरी चीज़ है, वो है बेसिक नॉलेज, और वो बेसिक नॉलेज पढ़ने से आएगा, उसका कोई और तोड़ है ही नहीं। लोग बोलते हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़े, अरे भाई बेसिक नॉलेज सिलेबस मेंशन्ड है पूरा का पूरा, आपके पास सोर्स है तो फ्री में पढ़ो, नहीं तो कोचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। बट डेफिनेट अगर मैं बात करूं, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है कि भैया पढ़ना जो है ठीक है, उसी से बेसिक नॉलेज आएगा, और वो एक आधार चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज अगर आप कर लो ना, एक बाकी
कुछ भी अगर आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज, देखो ये उन सभी लोगों के लिए नहीं है जो एकदम फ्री लर्नर्स है, जो कहते हैं कि नहीं मुझे जो है फ्री लर्नर्स का मतलब जो एकदम शुरुआत में लर्न कर, जो बिगनिंग कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की, जो बिगनर्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो अगर बिगनर्स है वो तुरंत अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं इसी जो सर बता रहे यही अब फॉलो करना है, मुझे और कुछ करना नहीं है, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये चीज़ जो है वो उन्हें बहुत हेल्प करेगी जो लोग थोड़े बेसिक्स पे हैं, जिन्होंने थोड़ी तैयारी करी है। या आप अगर बिगनर्स हो, आप चाहे प्रो लेवल के हो, आप चाहे जो है रिपीटर्स हो, किसी भी लेवल के हो, लेकिन अगर ये चीज़ अप्लाई कर लो ना तो एक बात तो तय है, गलतियां बहुत कम करोगे और सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। करना क्या है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, हम आंसर देखते हैं उस क्वेश्चन का अगर हमें नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन फॉर बायोकेमिस्ट्री कि लाइक बी डी एन ए में जो है न्यूक्लियोसाइड का कॉन्फर्मेशन सिन और एंटी होता है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वो देख रहा हूँ और मुझे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं क्या करूँगा, पन्ना पलट के या उसी पेज पे या जैसे भी मुझे उसका आंसर देख लूँगा। मैं एक दो ऑप्शन पढ़ा, कन्फ्यूज हुआ, पन्ना पलट के देखा और देखा कि बी ऑप्शन सही है, और जैसे देखा बी ऑप्शन सही है मैं तुरंत अरे हाँ 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 बी सही है। और आप जो है उस बी को देख के आपको लगने लगा कि बी सही है क्योंकि आप 50-50 में थे, लेकिन बिकॉज आपने उस आंसर को देख के उस 50-50 को मान लिया कि मुझे 100% आता था जबकि आपको 100% नहीं आता था। ये चीज जिस दिन आप मान गए कि अगर आप आंसर देख के कोई क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, दैट्स इट, एक्सेप्ट इट। और नहीं आता तो उसको जाके पढ़िए जब तक बिना आंसर देखे आप क्वेश्चन का आंसर ना बता पाए। अगर आप लाइफ में एक चीज इंप्लीमेंट कर ले, एक चीज सिर्फ, कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आंसर देखने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि सीएसआर में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को खुद से बैठ के सॉल्व करिए, और जब सॉल्व ना हो उसका आंसर देखिए मत कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी कोई कहेगा वेरीफाई करना है, वेरीफाई खुद करिए, इंफॉर्मेशन इतना गैदर करिए कि आप 100% बोल सके इसका आंसर यही होगा, मैंने पढ़ा है, बिना आंसर देखे मैं बोल सकता हूं। आप ये करके देखिए, आप आंसर देखना छोड़ दीजिए, वेरीफाई करना छोड़ दी, वेरीफाई करना मतलब खुद करिए, चार बार पढ़िए, हो सकता है एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई यहां से इस इंफॉर्मेशन से हो रहा है। आजकल तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी पे डालोगे स्टेटमेंट सही कि नहीं, ऑल्दो चैट जीपीटी कई सारे इंफॉर्मेशन गलत देता है इसलिए उस पर कंप्लीटली रिलाई मत करना, उससे एक बेटर टूल है परप्लेक्सिटी एआई करके, वो अप्लाई कर सकते, उस पर चेक कर सकते हो, उसके जो इंफॉर्मेशन है वो रिव्यू मतलब रिसोर्सेज रेफरेंसेस के साथ दिए जाते हैं तो काफी ऑथेंटिक मुझे लगता है एज कम्पेयर टू द चैट जीपीटी, तो उनका यूज करो। अब तो गूगल का आ चुका है, गूगल यूज कर सकते हो, उसका भी यही है। इवन गूगल पे नॉर्मली भी सर्च करोगे हर स्टेटमेंट के बारे में तो आपको दिख जाएगा, आपको अलग अलग रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द आंसर जस्ट लाइक कि सॉल्व किया, अगर 100% श्योर हो तो भी उसको जाके एक एक ऑफ स्टेटमेंट को सर्च करा गूगल पे, देखा कि क्या सही है। याद रहे कि आंसर नहीं चेक कर रहे हैं आप उस क्वेश्चन के पीछे जाके, क्योंकि क्वेश्चन के पीछे आप देख के जाएंगे तो आप इल्यूजन में पड़े रहेंगे। बस मेरी अगर ये बात, मुझे पता है कि कई लोग अभी भी नहीं मानेगा, कई लोग वैसे ही करता रहेगा, और मैं उन लोगों के लिए कर ही नहीं रहा हूं जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जो जेन्युइनली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, जस्ट डू वन थिंग दैट नेवर लुक एट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि ये आंसर होगा ही होगा, अगर नहीं हो तो जाके पढ़ो उसके बारे में, जब तक कि आप बिना आंसर देखे कॉन्फिडेंट ना हो पाओ कि इसका आंसर ए ही है या बी ही है, जो भी है यही होगा। दैट कॉन्फिडेंट या कह सकते कि वो कॉन्फिडेंट ऑप्शन या वो कॉन्फिडेंट आंसर जो है वो दिखना चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दिखना चाहिए कि भाई मुझे जो है यही ऑप्शन है, लिख के ले लो। ये बिना आंसर देखे अगर जिस दिन आप करने लगे हर क्वेश्चन जो आप आज से ऑप्ट कर रहे हो एग्जाम तक, हर क्वेश्चन बिना आंसर देखे ऑप्ट करो। नहीं अगर ऑप्ट कर पा रहे हो, नहीं 100% कॉन्फिडेंस, आप याद रहे डोंट बी इन इल्यूजन, 50-50 समथिंग लाइक दैट तुक्का वाली चीज नहीं है, तो है विथ लॉजिक कि क्यों है, तुक्का फिकेशन नहीं आ रहा है, बी है बजरंग बली की जय वाला, नहीं विथ लॉजिक वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट यू नीड टू नो दैट। इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द सीएसआईआर और एनी एग्जामिनेशन, मार्क माई वर्ड्स। अगर ये करके अप्लाई कर रहे हो, एक महीना, एक हफ्ता, 21 दिन करो जो हैबिट चैलेंज है, और अगर कर रहे हो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का लेवल देखना, इसी वीडियो में आके बताना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है कैसा है। ये कुछ मैं स्ट्रेटजीज वाले जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ, कुछ रियल जो वीडियोस ले रहा हूँ, आंखें खोलने वाली जो वीडियोस है, ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेगी। आप चाहे बात मानिए या मत मानिए, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर सच में आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करनी है तो, अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है कंटिन्यू करिएगा, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बार करके जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना टेस्ट किए खाना अच्छा है कि बुरा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेस्ट इट फर्स्ट,
एंड कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या ऐसे ही कोई जो है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए यार, सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो चैनल को, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, और जल्दी कर दो तो हम फटाफट जो है 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू, जल्दी मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं, जय हिंद।